तो गाइस, कनाडा की डिग्री या एजुकेशन इस तरह से डिजाइंड है कि आपके पास बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको कि इलेक्टिव्स बोलते हैं, जो आपने खुद डिसाइड करके खुद अपनी मर्जी के साथ लेने होते हैं। यूनिवर्सिटी डिग्री के दौरान ये वाले कोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक इट्स ऑलमोस्ट आपके 1/3 होती है आपकी डिग्री, जो आपके मेजर होते हैं। उसके अलावा आपको इलेक्टिव्स जो लेने होते हैं वो 1/3 होते हैं। और कॉलेजेस में भी ये वाले कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको खुद डिसाइड करना होता है कि कौन से कोर्सेज लेने हैं। तो जो एक नया स्टूडेंट होता है इंडिया से, उसको पता नहीं होता कि, या कहीं से भी आ रहा है, अगर नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान कहीं से भी आ रहा है, उसे पता नहीं होता कौन कौन से कोर्सेज लें। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि आप कौन से इजिएस्ट कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान, यूनिवर्सिटी डिग्री के दौरान, या अपने कॉलेज में, जो कि आपको हाई ग्रेड लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइज, जब मैं मई 2019 में आया था समर स्प्रिंग के अंदर, तो मैंने भी एक दो इलेक्टिव लिए थे और मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट था मेरा फ्रेंड, और मैंने उससे पूछा था और उन्होंने मेरे को रेकमेंड किए थे। तो बहुत सारे लोगों का कभी कभार ये होता है कि इलेक्टिव्स वो वाले लेने होते हैं जो जिनका उनको मन कर रहा है कि यार ये वाली चीज ट्राई कर लेते हैं, ये वाली चीज देख लेते हैं करके एक बार कि कैसी है, और क्या पता उन्हें अच्छी लगे, वो इस हिसाब से लेते हैं और उनका इंटरेस्ट होता है इसलिए लेते हैं। बट कुछ लोग, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था 2019 में, वो ये था कि मेरे को इलेक्टिव ये नहीं है कि मेरे को इसमें पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, कर तो मैं लूंगा, पढ़ तो मैं लूंगा ही, बट मेरे को ये हो कि मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं, राइट? क्योंकि मेजर के, और जब आप 3rd 4th ईयर में आ जाते हो, तो वो कोर्सेज जो आपके मेजर के हैं वो डिफिकल्ट होने लगते हैं। तो आपको होता है कि आपकी परसेंटेज ओवरऑल हाई रहे, तो ये इलेक्टिव्स ही होते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज ही होते हैं जो आपकी परसेंटेज को हाई रखते हैं। आपको मेक श्योर करना होता है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर ले पाए, राइट? ताकि आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 80 अबव, या कह लो 85 अबव रहे, 85%। तो इनको परसेंटेज बूस्टर्स भी माना जाता है, राइट? तो अब इजी कोर्स होता कौन सा है? मेरे लिए तो जो इजी कोर्स की डेफिनेशन, सीधी सादी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये है कि मेरे को कम उसमें टाइम लगाना पड़े, कम सिर खपाई करनी पड़े और सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाएं, या हाई आउटपुट आ जाए। इन दी एंड यहाँ पर मार्क्स भी आपके देखे जाते हैं, आपकी परसेंटेज भी देखी जाती है, और ओवर थ्रू आउट आपकी लाइफ के दौरान डिग्री पे वो एक ही बार दो न्यूमरल्स आने हैं आपके सर्टन कोर्स के आगे, तो आप उसको अच्छा ही है तो उसको 80+ 90+ ले लो, राइट? तो गाइज, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जौन सा भी क्लास है, जौन सी भी आप कोर्स अभी करंटली कर रहे हो, उसमें आपको सबसे कम एफर्ट डालना पड़ेगा और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, लीस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ग्रेड्स? आपको कैसे पता चलेगा? अभी तक मैंने जो भी 4 साल की डिग्री की है, उसमें मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि जो भी क्लासेस जिसमें सारा कंटेंट हमें ऑनलाइन ही करना होता है, या असाइनमेंट्स, या फिर क्विजेस, या फिर पूरा एग्जाम, फाइनल एग्जाम भी, जैसे कि टेक होम एग्जाम बोल देते हैं, वो अगर ऑनलाइन हो तो वो क्लास में हमारा ग्रेड आउटपुट ज्यादा ही रहा है। तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसी क्लासेस ट्राई करें लेने की जो जिसमें सब कुछ, सब चीज जो भी है क्लास की, क्विजेस से लेके असाइनमेंट से लेके एग्जाम से लेके, सब कुछ ऑनलाइन ही रहे, राइट? तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखें। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो सारा क्लास का कंटेंट है, पहले से ही रजिस्ट्रेशन करने से पहले से ही आपको पता कैसे चलेगा कि ये सब ऑनलाइन होगा? तो ये आपको अभी, मैं अभी दिखा देता हूं कि आपको कैसे पता लगाना है। तो गाइज, पता लगाने के लिए कि आपके कोर्स में कैसे कैसे आपकी परसेंटेज, आपके 100% जो भी मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड किए गए होंगे, उसके लिए हमें देखना होता है कोर्स सिलेबस या कोर्स आउटलाइन। वो हम कैसे देख सकते हैं? वो हम यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल ले लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन का ही। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन कोर्स कैटलॉग सर्च किया मैंने, तो हम लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर चले जाएंगे और मैं कोई भी डिग्री उठा लेता हूँ, आर्कियोलॉजी की डिग्री उठा लेता हूँ, और इसके अंदर इन्होंने ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन दे रखी हैं। तो हम 100 लेवल कोर्स उठा लेते हैं, जैसे ग्रेको रोमन ट्रेडिशनल एवोल्यूशन। तो इधर ये इन्होंने पिछले सितंबर 2020 का दे रखा है यहाँ पर, तो इसको एक्सेस करते हैं सिलेबस को, और देखो उन्होंने सारा एक पूरा डिटेल दे दिया कि कैसे कैसे क्लास उस वक्त कंडक्ट हुई थी और क्या क्या उसके हिसाब किताब रहा था, और सिलेबस की PDF भी उन्होंने साथ में यहाँ पे अटैच कर दिए। और यहाँ पे ये पता चल जाता है यहाँ से कि कैसे कैसे परसेंटेज डिवाइड रहेगी क्लास की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन में तो ये वाली फैसिलिटी आपको मिल जाती है, वो आपको पहले से एक्सेस करवाते हैं सिलेबस हर एक क्लास का, राइट? और इसी के साथ एक और हम सर्च कर लेते हैं कॉलेज की। तो नेट कॉलेज चूज कर रहा हूँ मैं, जो कि एल्बर्टा में है, राइट? और
हम उसके प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे और फिर एक सिलेबस को ढूंढने की, तो अभी मैं स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इसको चूज कर रहा हूँ, व्यू आर प्रोग्राम्स, और हम इसमें चूज कर लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बैचलर ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं कोर्सेज एंड एडवांस ग्रेजुएट को सिलेक्ट किया, तो आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा लेयर के अंदर, क्योंकि राइट अवे सामने तो नहीं पड़ा होगा सिलेबस, ऑब्वियसली हर एक कोर्स का अपने कोर्स के अंदर ही पड़ा होगा। तो हम व्यू कोर्स आउटलाइन करेंगे और यहाँ पे क्लिक किया तो देखो आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड शुरू होनी हो गई है मेरी, और पीडीएफ हमने डाउनलोड कर ली और पीडीएफ में ये देखो उन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे डिवाइड होगा ये वाला पूरा कोर्स, 20% ईच, 100%। तो ऐसे ही आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सा क्लास के अंदर कहाँ पे अपने टाइम इन्वेस्ट करना है, कौन सी आपने असाइनमेंट करनी है, कितनी आपकी परसेंटेज किस चीज़ की रहने वाली है, आपकी फाइनल एग्जाम की परसेंटेज कितनी रहने वाली है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप ध्यान रखें कि आपका क्लास का कंटेंट ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा मिल जाता है, टेक होम एग्ज़ाम 1-2 दिन मिल जाते हैं और आप आराम से खुद भी कर सकते हो, किसी से करवा भी सकते हो, तो आपके पास ज़्यादा ऑफर। बट वहाँ पे जब आपको खुद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वहाँ पे सिर्फ आपके पास सर्टन टाइम लिमिट होती है, और ऑब्वियसली वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए आपके पास इन्विजिलेटर्स भी होते हैं। और इसी के साथ एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि है रेट माई प्रोफेसर वेबसाइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर जाता है जब आपके पास सेम ही क्लास के लिए मल्टीपल प्रोफेसर हों, तो क्योंकि एक प्रोफेसर कैसा पढ़ाता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके ग्रेड्स के आउटपुट पे, राइट? तो वो हमें पता कैसे चलेगा कौन से प्रोफेसर अच्छा है बाकी स्टूडेंट्स की रेटिंग से, और उसके लिए हम रेट माई प्रोफेसर ये वाली वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कनाडा में। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके लिए, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन को ही सर्च कर लेता हूँ, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का आ गया। तो हम अभी रैदर इसके अंदर मैं प्रोफेसर का नाम सर्च कर लेता हूँ, कार्ल गटवेन। तो ये देखो यहाँ पे आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन का, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है, 4.5 रेटिंग है आउट ऑफ 5, जो कि बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड। और साथ में आप रेटिंग्स भी देख सकते हो बाकी स्टूडेंट्स ने क्या बोल रखा है, जैसे कि रियली गुड क्लास, लॉट्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, आई एम नाउ इन अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट जॉब, एवरीथिंग इन दिस क्लास इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है, आपको हेल्प हो जाती है। मैं एक और प्रोफेसर का ले लेता हूँ यहाँ पर, मार्क खील। तो ये देखो ये प्रोफेसर की 3.5 है, तो जब भी यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप रेटिंग देखें, 3.5 या अबव अगर है किसी की रेटिंग, तो आप उस क्लास को लेने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रेट माई प्रोफेसर एक अनदर फैक्टर हो गया सिलेक्ट करने के लिए, आपको डिसाइड करने के लिए कि इजी कोर्स रहेगा वो आपके लिए या ज़्यादा मार्क्स वाला कोर्स रहेगा कि नहीं, ठीक है? और इसी के साथ एक और वेबसाइट है जो कि है birdcourses.com। तो वहाँ पर मैं आपको होम पेज पे ले जाता हूँ, तो वहाँ पर आप यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सर्च करें। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी कनकोडिया यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस इजी कंसिडर किए जाते हैं बाय अदर स्टूडेंट्स। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है रेफरेंस के लिए, इजी कोर्सेज ढूंढने के लिए, तो ये आप खुद चेकआउट कर सकते हैं फॉर ढूंढने के लिए कि इजी कोर्सेज कौन से होंगे। और इसी के साथ एक मैंने पीडीएफ में भी लिस्ट किए हुए हैं कोर्सेज जो मैंने अपने फ्रेंड्स और मैंने खुद भी कुछ इसमें से किए हुए हैं, जो मैंने फाइंड आउट किए हैं कि हाँ ये वाले कोर्सेज इजी थे और इनमें ग्रेड लेना, हाई ग्रेड लेना काफ़ी रिलेटिवली इजी था, तो वो मैंने लिस्ट बना रखी है, और ये मैं लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसमें स्टार्टिंग में एक्टिंग बता रखा है, तो ये भी 100 लेवल 200 लेवल कोर्सेज का इजी होता है, आर्ट हिस्ट्री इज ऑल्सो ईजी, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इज ऑल्सो ईजी। तो ये इंट्रोडक्टरी कोर्सेज एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ये सब किनीसियोलॉजी, ये सब ईजी हैं। मैंने म्यूजिक का कोर्स किया था, ये ऑनलाइन ही कोर्स था, तो मेरे 95 ग्रेड आ गया था इसमें, तो आई वॉज हैप्पी। और मैथमेटिक्स कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, बट आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर जो कैलकुलस है और जो लीनियर अलजेब्रा और प्री कैलकुलस, वो हमारी 11th 12th वाली मैथमेटिक्स होती है,
तो आप वो ले सकते हैं। ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स, और इसमें सब कंटेंट आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, असाइनमेंट्स ऑनलाइन ही मिल जाती हैं, सब वीडियोस यूट्यूब पे बन रखी हैं, चैट जीपीटी से आप ढूंढ सकते हो। तो ये हाई स्कोरिंग क्लास है और काफ़ी यूजफुल भी है क्लास। न्यूट्रिशन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी भी एक ऐसी क्लास है जिसमें आप हाई स्कोर ले सकते हो। टॉक्सिकोलॉजी, ये भी एक हाई स्कोरिंग क्लास है, मल्टीपल चॉइस सब होता है। इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी एक हाई स्कोरिंग क्लास है और अच्छी क्लास है, यूजफुल क्लास है। और लैंग्वेज कोर्सेस, अगर मतलब जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, मेरे को हिंदी आती है, पंजाबी आती है, तो मेरे लिए वो वाला कोर्स काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो जस्ट सिखाने के लिए, क्योंकि कुछ गोरे ले रहे होते हैं उनको तो इतनी ज़्यादा टफ हिंदी नहीं सिखाएंगे, तो ईजी ईजी रखते हैं लेवल, तो इसलिए लैंग्वेज कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हाई स्कोरिंग रहते हैं। तो या ये वाली PDF मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मेरे हिसाब से कि आपको इजी कोर्स के लिए ऑनलाइन कोर्स ट्राई करें। नॉन ऑनलाइन कोर्सेज में भी हाई स्कोर कर सकते हो, बट ऑनलाइन कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है, आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और साफ काफ़ी सारा स्मूथली चल जाता है, अपने अपनी मर्जी के टाइम से आप कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो रिगार्डिंग ऑनलाइन कोर्सेज। रेट माई प्रोफेसर वेबसाइट आप चेकआउट करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप थ्रू आउट योर यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ कनाडा में। और birdcourses.com भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो, तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।